नैब ने रिंग रोड स्कैंडल का मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में उठाने का फैसला कर लिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में इंक्वायरी की बाजाब्ता मंजूरी दी जाएगी। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। 3 जून से रजिस्टर्ड अफराद की वैक्सीनेशन होगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले फौरी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब किसी भी उम्र वाले अफराद वैक्सीन लगवा सकेंगे। सिंध में पानी बहरान। पीपल्स पार्टी सिंध की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में वकार मेहदी, सैयद नासिर हुसैन शाह, आजिज धामरा और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में पानी बहरान से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। पानी बहरान पर एहतजाज करने पर भी गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं करप्शन स्कैंडल्स आएंगे तो अवाम की रोटी रोजाना महंगी ही होगी। हुक्मरानों को मुआशरत और अवाम की तकालीफ का कोई इल्म नहीं। चीनी, आटा, दूध, सब्जियां, गोश्त समेत हर चीज महंगी हो गई। अवाम भूखे और बेरोजगार है। हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं।